हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेरीज थी या ये डाउट था जिन्होंने नीट 2024 अपीयर किया था कि जो नीट एग्ज़ाम है वो आपका रिकंडक्ट होने वाला है, क्योंकि ऐसे न्यूज़ आई थी कि जो नीट क्वेश्चन पेपर था वो लीक हुआ था और उसकी वजह से जो रिजल्ट पर होल्ड लगाया जाए। हालांकि NTA ने अपनी ऑफिशियल साइट पर ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि जो नीट एग्ज़ाम रिकंडक्ट नहीं होगा। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई कि इस केस पर सही तरीके से कार्रवाई हो। सो भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट एक पब्लिक नोटिस जारी किया है जिसमें साफ साफ ये मेंशन है कि जो नीट रिजल्ट है वो रोका नहीं जाएगा। 5 मई 2024 को जो नीट एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट में कोई डिले नहीं होगा। नीट एग्जाम बहुत बड़ा है, इसके अलावा जो भी लापरवाही हुई है वो पर्टिकुलरली एक जगह पर हुई है, जैसे कि बिहार में जो क्वेश्चन पेपर लीक की न्यूज़ आई थी एंड कुछ रीजन्स में जो क्वेश्चन पेपर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे, तो इसके ऊपर जो डिसीजन है वो आफ्टर समर ब्रेक के बाद ही होगा। वेल, थोड़ी सी तो होप है पेपर रिकंडक्ट के, बट वो उन्हीं एरियाज में जहाँ पर ऐसी न्यूज़ आई थी पेपर लीक्स की और पेपर डिस्ट्रीब्यूशन जो सही तरीके से नहीं हुआ, लेकिन वो भी प्रूफ होने के बाद। अगर वो प्रूफ हो गया तभी वहाँ पे नीट एग्ज़ाम जो है वो दोबारा से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो ऑल ओवर इंडिया, इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स ने अपना जो एग्ज़ाम दिया है वो सिर्फ अपने नीट रिजल्ट का ही वेट कीजिए। एज ऑफ नाउ 5 मई 2024 को जो आपका नीट एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आपका नेक्स्ट मंथ आने वाला है, उसमें कोई भी डिले नहीं होगा।